हेलो दोस्तों, आज हम नाइन्थ क्लास का रेखा एवं कोण लेकर के आए हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं और रेखा में किरण क्या है, कोण के कुछ टाइप्स हम बताए थे, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, पुनर्युक्त कोण, ठीक। और यहाँ पे हम अब बताएंगे पूरक कोण किसे कहते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का मापों का योग 90 डिग्री हो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अगर मान लीजिए कि हम कहें कोण ए बराबर क्या है 40 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि दो कोणों की मापों का योग अगर 90 डिग्री हो तो आपका पूरक कोण कहलाता है। अगर हमको कोण ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, कोण ए का पूरक कोण अगर हमको निकालना है, कोण ए का पूरक कोण तो आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस कोण ए हो जाएगा। मतलब 90 में से हम क्या कर देंगे, 40 को घटा देंगे तो आपका 50 हो जाएगा। मतलब किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से घटा दीजिएगा तो आपका पूरक कोण हो जाएगा। सेम इसी तरह से देखिए समपूरक कोण, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोण ए बराबर आपका 60 डिग्री है और इसका समपूरक कोण ज्ञात करना है, कोण ए का समपूरक कोण, कोण ए का समपूरक कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ए, ठीक ना। तो यहाँ आपका हो जाएगा 180 में से 60 को घटा दीजिएगा तो आपका 120 डिग्री हो जाएगा। देखिए पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो पूरक कोण, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो आपका क्या हो जाएगा, समपूरक कोण हो जाएगा। पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम 90 से उस कोण को घटाते हैं और समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 से उस कोण को घटा देते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक। तो दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं। ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण का क्या होता है, युग्म होता है, ठीक ना, दो कोण होता है, युग्म मतलब जोड़ा होता है। शीर्षाभिमुख कोण कभी भी होगा तो दो कोणों का युग्म होगा, ठीक ना। तो दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो। दो वैसे कोण होना चाहिए जिनकी भुजाएं जो होना चाहिए विपरीत किरणों के दो युग्म है। आप देखिए कोण कोण ए ओ डी देखिए और क्या देखिए, कोण सी ओ बी देखिए, कोण ए ओ डी देखिए और सी ओ बी, इस कोण के जो भुजाएं हैं ओ ए और ओ बी विपरीत किरणों के एक युग्म हो गए। फिर इसी प्रकार से ओ डी और ओ सी जो है विपरीत किरणों के आपके दूसरे युग्म हो गए, ठीक ना। तो विपरीत किरणों के कितने युग्म होने चाहिए, तो दो युग्म होने चाहिए और ये कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसको ठेठ भाषा में समझिए कि शीर्षाभिमुख कोण वही बनेंगे जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और इस प्रकार से जो ये अपोजिट एंगल बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, या इसको भी हम शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हैं, ठीक। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाएंगे कि जिनकी भुजाएं क्या हो, विपरीत किरणों के दो युग्म हो, वैसे कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे में फिर आपका ये भी हो जाएगा ए ओ सी हो जाएगा एंगल और क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ डी हो जाएगा। ये दोनों भी आपका क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म हो जाएंगे। आप समझ गए। और इसमें खास बात ये होता है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। युग्म की बात कहेगी तो हम दोनों को लिख देंगे, अगर रिलेशन बता पूछेगा तो हम कहेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर एक दो तीन चार अगर कोण का नाम दे दें तो कोण एक बराबर कोण तीन होता है और कोण दो बराबर कोण चार होता है। अब देखिए कुछ इसमें प्वाइंट रह गया है, कोण का समद्विभाजक किसे कहते हैं। तो देखिए यदि कोई रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करे तो वह रेखा कोण का क्या कहलाती है, समद्विभाजक कहलाती है। जैसे हम इसको चित्र से देख सकते हैं और उसको हम आकलन करके बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम कोई कोण ले लिए, कोई कोण ले लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोण हो गया ए ओ बी हो गया, और अगर कोई ओसी रेखा
कोण ए ओ बी को दो बराबर भागों में क्या करें, विभाजित करें, तो वो ओसी रेखा क्या कहलाएगी, इस कोण का समद्विभाजक कहलाएगी। इसका डेफिनेशन आप अपने से लिख सकते हैं, यदि कोई रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करे तो वो आपका रेखा क्या कहलाएगा, कोण का समद्विभाजक कहलाएगा। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहेंगे, तो दो रेखाओं यदि दो किसी समतल में, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा का डेफिनेशन आप अपने से लिखिएगा, किसी समतल में दो रेखाओं में अगर कोई बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। किसी समतल में, जैसे ये आपका बोर्ड क्या हो गया, समतल हो गया, तो किसी समतल में दो रेखाओं के बीच में कोई बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो, दो रेखाओं के कोई बिंदु उभयनिष्ठ है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एल रेखा हो गया और ये एम रेखा हो गया, इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु पी हो गया, ये कोई बिंदु हो गया, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक ना। या दो रेखाएं अगर इस तरह से जहां पे भी अगर कोई बिंदु दोनों में मिलेगा तो वे क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी। इसको आप अपने भाषा में लिख लेंगे। अगला क्या है, समांतर रेखा, समांतर रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए इसको भी आप अपने से लिख लीजिएगा, हम इसका डेफिनेशन बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो किसी समतल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिन्हें कितना भी आगे या पीछे बढ़ाया जाए और वे एक दूसरे से न मिले तो वे आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आपका समांतर रेखाएं का डेफिनेशन ये है, किसी समतल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिन्हें कितना भी आगे या पीछे बढ़ाया जाए और वे एक दूसरे से न मिले, या उन दो रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो, ठीक ना, वो आपका क्या कहलाएगा, समांतर रेखा कहलाएगा, ठीक। और प्रतिच्छेदी रेखा, दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिनमें उभयनिष्ठ बिंदु हो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, और जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो, कितना भी आगे पीछे बढ़ा लीजिए, वो आपका क्या कहलाएगा, समांतर रेखा। देखिए आसन्न कोण किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष क्या हो, एक बिंदु हो, और उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी क्या हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दूसरे तरफ हो। देखिए दो कोण आपके, ये कोण एक हो गया, दूसरा कोण दो हो गया, ये दोनों आसन्न कोण तब कहे जाएंगे जब इनका क्या हो, एक शीर्ष बिंदु हो। दूसरा कंडीशन कह रहा है क्या, कि इनकी कोई एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। देखिए वो भी भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। फिर कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं जो हैं उभयनिष्ठ भुजा के क्या हो, दूसरी तरफ हो। तो देखिए OA क्या है, OB की तरफ नहीं है, दूसरा तरफ है। फिर इसी प्रकार OC भी क्या है, OA के क्या है, OB के दूसरे तरफ है। इस प्रकार से जो कोण एक और कोण दो जो होगा आसन्न कोण के युग्म कहलाएगा। आसन्न कोण समझ गए, जिसमें क्या हो, एक बिंदु शीर्ष बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष बिंदु हो और एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। अब देखिए कोणों के रैखिक युग्म, ये देखिए कोणों के रैखिक युग्म किसी रेखा पर ही बनता है, किसी स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है, ठीक ना। तो इसको देखिए, दो आसन्न कोणों को जिनकी भुजाएं, जिनकी दो भुजाएं विपरीत किरणें हो, कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। दो ऐसे कोण जिनकी दो भुजाएं विपरीत किरणें हो, देखिए इसका क्या है, दो आसन्न कोणों को जिनकी भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, ये देखिए दो आसन्न कोण यही कहलाएंगे जिनकी भुजाएं क्या हो, दो भुजाएं क्या हो, विपरीत किरण हो, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक। और ये आसन्न कोण क्या कहलाएगा, रैखिक कोण का युग्म कहलाएगा। देखिए कोण एक और कोण दो में भी क्या है, ओ बिंदु उभयनिष्ठ है, शीर्ष बिंदु वो है, तथा ओसी रेखा भी क्या है, इन दोनों में है। तो इस सिचुएशन में इन दोनों कोणों को हम कहेंगे रैखिक कोण के युग्म, क्योंकि इसका जो शेष भुजाएं जो है विपरीत किरणों के क्या है, एक युग्म है। अतः कोण एक और कोण दो जो है रैखिक कोण के युग्म है, मतलब यह आसन्न कोण भी है और रैखिक कोण के युग्म भी है, और यह क्या है आपका, सिर्फ आसन्न कोण है, मतलब आसन्न कोण रैखिक कोण के युग्म हो सकता है। अब दूसरा क्या है, कि रैखिक कोण के अधिग्रहित से
यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो, यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये देखिए, ये कोई किरण है और ये कोई रेखा है, और इस प्रकार से जो कोण बनेंगे, कोण एक प्लस कोण दो बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, या कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और देखिए दूसरा है आपका क्या कि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, अगर मान लीजिए कि किसी दो आसन्न कोणों का योगफल क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो आपका जो होगा हो तो उसकी उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर, उसकी उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर, इसकी उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजाएं विपरीत किरणे के होंगी, अन्य जो दो भुजाएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, विपरीत किरणें कहलाएंगी। देखिए इसका रैखिक कोण अधिग्रहित का क्या है, यह अपोजिट है। यदि आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजाएं विपरीत किरणें होंगी, ठीक ना। और यदि मान लीजिए कि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 6.1 में कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, क्वेश्चन को बनाएंगे। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि आकृति में, आपका आकृति यही है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ए बी रेखा और सी डी रेखा एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई बराबर क्या है 70 डिग्री है, तथा कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी ये आपका दे दिया है 40 डिग्री, ठीक। तो कोण बी ओ ई, बी ओ ई ये कोण बताना है आपको, और दूसरा कोण बताना है कोण सी ओ ई बताना है, कोण सी ओ ई बताना है, ये दोनों कोणों को आपको बताना है। आपको चूंकि ये दे दिया है तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आप लोग बेसिक रूप से बढ़िया से बना लीजिएगा, ये जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी रेखा पर, ए बी क्या है एक सरल रेखा है जिनके एक ही ओर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। चूंकि ए बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, ठीक ना, इसलिए आपके हो जाएंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। देखिए ये एक ही रेखा के एक ही तरफ ये कोण बने हुए हैं, इस प्रकार ये रैखिक कोण युग्म से यहां लिख लेंगे क्या, रैखिक कोण, रैखिक कोण युग्म से, ये जो हुआ है किस से हुआ है, युग्म से, इसको लिख लेंगे। अब देखिए एक ही रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है, तो कोण सी ओ ई प्लस हम 70 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 में से 70 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 110 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोण सी ओ ई बराबर आपका आ गया क्या 110 डिग्री, ठीक। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, आपको कोण सी ओ ई बराबर 10 डिग्री, 110 डिग्री आ गया। अब देखिए सी डी क्या है, एक सरल रेखा है, फिर हम लिखेंगे क्या, चूंकि सी डी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, ठीक ना, इसलिए आपका हो जाएगा क्या, इसलिए हम लिख लेंगे क्या, कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। आप देखिए ये आपका 110 डिग्री आ गया है, ये आपका 40 डिग्री है, तो 110 डिग्री रख देंगे और फिर आपका 40 डिग्री रख देंगे, तो 110 और 40 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। इस तरह से 180 में से 50 घटाइएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों आप इतना तो बना ही सकते हैं, ठीक। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई क्या है, पी ओ वाई बराबर क्या है आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री दे दिया गया है, चूंकि 90 डिग्री का साइन भी दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर क्या है 2:3 हो,
तो आपको ज्ञात क्या करना है, सी ज्ञात करना है। अब देखिए ए अनुपात बी का अनुपात दे दिया है। अब देखिए चूंकि ए ओ पी क्या है 90 डिग्री दे दिया है, पी ओ आई बराबर ये 90 डिग्री दे दिया है, तो आपका शेष जो इन दोनों कोणों का योग होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। चूंकि इसलिए आपका हो जाएगा क्या, कोण ए ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा क्या 90 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि ए रेशियो बी बराबर आपका दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर दे दिया है, 2:3 दे दिया है, ठीक ना। तो हम रेशियो में क्या ले लेंगे, इसको चाहे तो लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं ए बटा 2 और बी बटा 3 हो जाएगा। इसको आर के बराबर ले लेंगे तो आपका ए बराबर हो जाएगा 2R हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा। आप देखिए ये 2R प्लस 3R को रख लेंगे हम इसमें तो बराबर 90 हो जाएगा, तो 5R बराबर 90 हो गया, ठीक। तो R बराबर क्या हो जाएगा 18 × 5 = 90, R बराबर 18 हो जाएगा, तो A बराबर आपका हो जाएगा 2 × 18 = 36 हो जाएगा और B बराबर क्या हो जाएगा 3 × 18 = 54 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए ये B बराबर आपका 54 हो गया। अब देखिए ये क्या है, MN एक सरल रेखा है, ठीक ना, और एक सरल रेखा पे ये कि ये किरण इस प्रकार स्थित है, तो इस तरह से कोण B और प्लस कोण C बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री और कोण B बराबर आपका 54 डिग्री आ गया है, तो आप वहां से कोण C बराबर भी निकाल सकते हैं। 180 में से 54 को घटा दीजिए, जितना आएगा उतना आपका क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। धन्यवाद। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग इस चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।